कम टू माय चैनल। आज हमारे पास एक गाड़ी आया एक्टिवा 3G, उसका ब्लॉक पिस्टन गया है। वो कस्टमर जो है ना, उसका प्रॉब्लम है, वो बोले मेरे गाड़ी का पीछे से धुआं निकलता है। चलो उसका ब्लॉक पिस्टन आज खोला है तो देखते हैं उसका ब्लॉक पिस्टन का हालत क्या है। तो इसके लिए अगर ब्लॉक पिस्टन गया रहेगा तो नया ब्लॉक पिस्टन हम लोग आज इंस्टॉल करेगा। इसके लिए पहले जूना ब्लॉक पिस्टन खोल के देखते हैं। चलो आगे बढ़ते ब्लॉक पिस्टन के लिए। आ जाओ, ये देख सकते हैं इसका जूना ब्लॉक पिस्टन है कितना गिर गया है। गाड़ी में कुछ भी ऑयल नहीं था। उसका जो रिंग है वो भी देख सकते हैं, ये पिस्टन है, पिस्टन के रिंग जो है ना ये कितना घिस गया है। इसके लिए धुआं मार रहे हैं और गाड़ी में ऑयल भी नहीं है। तो इसके लिए हम लोग इसका ब्लॉक पिस्टन नया डाल दें इंस्टॉल। ये देखिए आप, पिन भी कितना जाम हो गया। ये पिन है, इसका पिन भी जाम हो गया। तो इसके लिए नया रहता, चलो नया ब्लॉक पिस्टन अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है इसका ब्लॉक पिस्टन। गाड़ी वाला इसका खर्चा नहीं करेगा, इसके लिए अपने कंपनी का नहीं डाला, ओरिजिनल कंपनी का नहीं डाला, ऐसा सादा कंपनी का ही डाला है। इसका ब्लॉक पिस्टन देख सकते हैं, देखो इधर ये ब्लॉक पिस्टन, ये ब्लॉक है, नया ब्लॉक है। इसके अंदर पिस्टन आता है, ये है पिस्टन, देख सकते हैं कितना पिस्टन है। उसके बाद इसके अंदर आता है रिंग, इसके अंदर रिंग है। रिंग आपको फाड़ के दिखा देता हूँ, ये है रिंग। ये ऑयल रिंग है, ये रिंग है, देख सकते हैं रिंग, ये लगता है। जब ये ब्लॉक पिस्टन इंस्टॉल करेगा तभी सुंदर रहेगा, देख सकते आप लोग। गाड़ी वाला ज़्यादा खर्चा नहीं करने बोला ना, इसके लिए हम लोग ऐसा सादा कंपनी का डाल दें, मतलब कंपनी का है लेकिन ओरिजिनल कंपनी नहीं है, इसके लिए सादा कंपनी का ही डाल रहा हूँ। ठीक है, काट के करूँ।